दोस्तों, यदि आपका भी इंडियन बैंक में खाता है तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन बैंक का पासबुक आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं तथा डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। निश्चिंत रहे दोस्तों, क्योंकि मैं यहां पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ, ताकि आप भी घर बैठे अपने इंडियन बैंक के पासबुक को देख सके और डाउनलोड भी कर सके। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आप कैसे पासबुक को देख सकेंगे और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सिंपली कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपली सर्च इंजन में आपको टाइप करना है इंडियन बैंक। जैसे आप यहां पर इंडियन बैंक सर्च करेंगे तो आपके सामने इंडियन बैंक का कुछ इस प्रकार से आपको इंडियन बैंक सर्च कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप इंडियन बैंक सर्च करेंगे तो आपके सामने इंडियन बैंक का जो है पोर्टल कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस पोर्टल पर विजिट करना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इंडियन बैंक का जो है पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंडियन बैंक का पोर्टल कुछ इस प्रकार से आ चुका है। यहाँ पर लॉगिन फॉर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पर, तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस फिर से ओपन हो जाता है, कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे। और यहाँ पर जो है लॉगिन करने का सेक्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका यूजर आईडी, नेट बैंकिंग का जो यूजर आईडी होगा, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको यहाँ पर फिलअप करेंगे, देन यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर हम सारी जानकारी को फिलअप करते हैं, देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद देन यहाँ पर हम लॉगिन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। और जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आपके सामने जैसे यह डैशबोर्ड ओपन होता है तो यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड अपना फिलअप करना होगा। जो यहाँ पर जो है नेट बैंकिंग का आपका लॉगिन पासवर्ड है, सिंपली आप इसको यहाँ पर फिलअप करेंगे, देन यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पासवर्ड को हम फिलअप करते हैं, देन यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड फिलअप करने के बाद देन यहाँ पर हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। और जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर दोस्तों, इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होना है तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो है क्लिक हेयर इफ़ यू आर नॉट हैविंग और फॉरगॉट ट्रांजेक्शन पासवर्ड कन्फर्म टू कंटिन्यू, तो सिंपली यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। और यहाँ पर टिक लगा के जो है देन यहाँ पर जो आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर यह मेन होम पेज पर लेके चले आएगा और यहाँ पर जो है आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका पोर्टल ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड, जैसे आप यहाँ पर लॉगिन होते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरनेट बैंकिंग का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और सिंपली दोस्तों, यहाँ पर जो आपको सिंपली लेफ्ट कॉर्नर पर देखना है, आपको यहाँ पर अकाउंट्स का सेक्शन मिल जाएगा। और जैसे आप अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो फ्रेंड्स, जैसे हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का जो है डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको जो है यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देन यहाँ पर आपको फ्रॉम डेट और टू डेट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम डेट कब से लेकर कब तक आपको यहाँ पर डाउनलोड करना है। तो सिंपली यहाँ पर जो है आप डेट सर्च कर लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर मार्च एक तारीख से लेकर और अप्रैल में जो है आज तक का डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सिंपली हमने इसको यहाँ पर फिलअप कर दिया है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट टाइप मिल जाता है कि आप किस टाइप में डाउनलोड करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे में आपको डाउनलोड टाइप का ऑप्शन मिल जाता है, शेड्यूल या इंस्टेंट, तो सिंपली इंस्टेंट पर ही रहने देंगे। देन यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे और जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यह पेज जो है आपका स्टेटमेंट जो है डाउनलोड होने लगेगा। और कुछ देर के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है। दोस्तों, अभी हमने जो है यहाँ पर स्टेटमेंट को डाउनलोड हो गया है हमारे यह डिवाइस में, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर जो है दोस्तों, इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, आप भी स्टेटमेंट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी कि आपका जो है कब क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, यहाँ पर डेट बाय डेट आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप डैट कि इस वीडियो में आप जान चुके होंगे कि कैसे इंडियन बैंक का पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं तथा देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तरफ से जो भी इस तरह की लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।